और राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र से वन विभाग की मनमानी और लापरवाही निकलकर सामने आई है, जहां विलुप्त प्रजाति के कछुओं को 3 साल से सिंटेक्स के गंदे पानी में रखा गया है, जिससे कभी भी कछुओं की मौत हो सकती है। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में सितंबर 2015 में विलुप्त प्रजाति के 4 कछुओं को जब्त कर आरोपी पर कार्रवाई कर इन कछुओं को वन विभाग को सौंपा गया था, जिसके बाद वन विभाग अपने पास डिपो रेंज ऑफिस में इन कछुओं को पानी की टंकी में न रखकर एक काली प्लास्टिक सिंटेक्स में रखा गया और वहीं पशु चिकित्सक इन कछुओं का फिटनेस टेस्ट कर इन कछुओं को साफ पानी और प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने की सलाह दिए थे, ताकि ये विलुप्त प्रजाति के कछुए ठीक से रह सके। लेकिन वन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया और एक प्लास्टिक टंकी में बंद रखा, जिसके चलते 3 सालों से ये कछुए प्राकृतिक वातावरण से दूर हैं और कुछ महीनों पहले एक कछुए की मौत हो गई, जिसके पोस्टमार्टम में साफ हुआ था कि कछुए की मौत प्राकृतिक वातावरण नहीं मिलने के कारण हुई थी, जिसके कारण आज भी ये कछुए सूरज की किरणें भी नहीं ले पा रही हैं और प्राकृतिक वातावरण से कोसों दूर है। ऐसा लगता है मानो इन बेजुबान जंतुओं को काला पानी की सजा मिली हो, जबकि इन विलुप्त प्रजाति के कछुओं को प्राकृतिक वातावरण में रखने के आदेश दिए गए थे। बसंतपुर बांस डिपो में संरक्षित प्रजाति का विलुप्त प्रजाति का कछुआ तंत्र मंत्र के लिए कोई नागपुर का एक व्यक्ति यहाँ ला के राजनांदगांव में उसमें उससे तंत्र साधना करके पैसा झड़न करने के लिए उसको यहाँ लाया गया था, और इस प्रक्रिया में वो संलग्न थे और वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने उसको जाके वहाँ पे पकड़ा और उसको FIR करके उसका पंचनामा बना के वन विभाग को सौंप दिया गया, और ये हिदायत दी गई कि उसको जितनी जल्दी हो सके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाए। इसी बीच एक कछुए की मौत हो गई रखरखाव के अभाव में, और बाकी 3 कछुए अभी सिंटेक्स की एक टंकी होती है जो घरों में यूज होती है उसमें वो रखा हुआ है कछुआ, और उनके खान पान का और देख रेख रख रखाव का क्या जिम्मेदारी तय की गई है, किसको दी गई है, ये अभी तक पता नहीं है। और इस बीच एक कछुए की मौत भी हो गई, जहां डॉक्टर की एक टीम आई थी जिसका उन्होंने PM किया, और PM रिपोर्ट में उन्होंने जो कुछ बातें कही है वो भी दस्तावेज वो वहां पे उनको सुपुर्द किया गया है, उनको निर्देश दिया गया है, और डॉक्टर द्वारा ये बोला गया है कि इनको यथासंभव मतलब जितनी जल्दी हो सके इनको प्राकृतिक संरक्षण में छोड़ा जाए। इस घटना को घटे लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो बेजुबान कछुए अपने प्राकृतिक वातावरण की तलाश में अपने अंतिम दिनों की बाट जो रहे हैं। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं, मैंने इस संबंध में PMO से भी पत्राचार किया, राजभवन में भी किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने कार्रवाई करके मुझे बताने के लिए बोला है, लेकिन इसके बाद अंतिम कार्रवाई क्या हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैंने था आपने इस संज्ञान में लाया है, इसको तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे अपने नैसर्गिक आवास में अगर कोई भी वन्य प्राणी है तो उसको वहीं रहना चाहिए, रेस्क्यू करके उसकी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए ही किसी ऐसी जगह रखा जा सकता है, उसके बाद उसको नैसर्गिक आवास में छोड़ने का प्रावधान होता है, तुरंत इसको करा दिया जाएगा अगर ऐसा है तो। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN20।